वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस नाटक आधे अधूरे को पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों मैं ये बता दूँ कि ये नाटक बहुत ही लंबा है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को विषय बताऊँगी इस नाटक का, पात्रों को समझाऊँगी कौन कौन से पात्र हैं, किनका क्या रोल है, और पूरे जो नाटक है उसका एक सारांश शॉर्ट में बताऊँगी जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मोहन राकेश जी की लिखी हुई नाटक आधे अधूरे पढ़ाऊंगी। तो मोहन राकेश जी की लिखी हुई ये नाटक सन 1969 में प्रकाशित हुई थी। मोहन राकेश जी की लिखी हुई नाटक आधे अधूरे एक मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला और उलझे रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को चित्रित करता है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। इस तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचों में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर है। महेंद्रनाथ और सावित्री का एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसको उसकी नजर में कोई सम्मान नहीं है। वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती, इसलिए उससे कटती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतर सके, किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरों की तरफ आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्म केंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। तो कुल रूप से हम कह सकते हैं कि इस नाटक के विषय में मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कला का चित्रण किया गया है, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी का चित्रण किया गया है, परिवार विघटन की समस्या का चित्रण है, वैवाहिक संबंधों की विडंबना का चित्रण है, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा को चित्रित किया गया है, पुरुष का अधूरापन चित्रित किया गया है, आधुनिक नारी का चित्रण किया गया है और साथ ही साथ नारी मुक्ति की भावना को भी चित्रित किया गया है। तो अब बात करते हैं इस नाटक के पात्रों के बारे में। इस नाटक में कुल चार पुरुष पात्र हैं, एक लड़का भी है और तीन स्त्री पात्र हैं। इसमें से जो स्त्री पात्र सावित्री है वो इस नाटक की मुख्य पात्र कह सकते हैं इसे। पुरुष एक के रूप में महेंद्र नाथ जो कि सावित्री का पति है उसे दर्शाया गया है, पुरुष दो के रूप में सिंघानिया जो कि और एक पुरुष है उसे दर्शाया गया है, पुरुष तीन के रूप में जगमोहन को दर्शाया गया है और पुरुष चार के रूप में जुनेजा जो कि महेंद्र नाथ का बहुत ही अच्छा दोस्त है उसे दर्शाया गया है। सावित्री और महेंद्र नाथ का एक बेटा है अशोक, दूसरी एक बड़ी लड़की है बिन्नी और छोटी लड़की है किन्नी। तो ये थे दोस्तों सारे पात्र, अब चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आधे अधूरे नाटक है, इस नाटक में कहानी, ये जो पूरी कहानी है एक परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जिस परिवार में सावित्री जो है स्त्री पात्र है जो कि एक कामकाज करने वाली औरत है उसकी भूमिका निभा रही है, और सावित्री का पति का नाम है महेंद्र नाथ जो कि इस नाटक में पुरुष एक के रूप में दर्शाया गया है। ये बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा हुआ है और ये पूरी तरह से अपनी पत्नी सावित्री पर निर्भर है। तो ये जो इस कहानी में ये दोनों जो पति पत्नी है, ये दोनों को एक दूसरे से बहुत ही नफरत होती है, ये दोनों का आपस में बनता नहीं है। सावित्री जो है वो महेंद्र नाथ को हमेशा दब्बू, एक व्यक्तिहीन और उस पर रहने निर्भर रहने वाला एक बेकार इंसान समझती है और उसे सम्मान रूप नजर से नहीं देखती है, और जो महेंद्र नाथ उसका पति है उसे ऐसा लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होकर रहना चाहती है तथा उसे अपमानित करती है और हमेशा उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, इसलिए महेंद्र नाथ उससे हमेशा दूर जाने की कोशिश करता है, परंतु क्योंकि वो बेकार है कोई कामकाज नहीं करता इसलिए वह पूरी तरह से उस पर निर्भर है और फिर से उसे हार कर लौट कर आना ही पड़ता है। तो जो महेंद्र नाथ है इस कहानी में जो पुरुष एक की भूमिका निभा रहा है वो क्या है, वो पहले बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, हसमुख इंसान था जो कि दोस्तों के साथ समय बिताया करता था और भी बहुत कुछ किया करता था। वो शादी के बाद और व्यापार में बहुत पर असफल होने के कारण फिर क्या हो जाता है, एक बहुत ही निराश हारा हुआ व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है और जिसके कारण वो अपनी स्त्री पर यानी सावित्री पर हाथ भी उठाता है, मारपीट करता है उसको,
तो जो सावित्री है, जो कि लगभग 40 वर्ष की उम्र को छूने जा रही है, उसके बावजूद क्या है, क्योंकि उसको उसका पति में आधापन अधूरापन नजर आता है। वो जो जो गुण अपने पति में चाहती है वो उसे नजर नहीं आता, क्योंकि वो निठल्ला है, एक दब्बू व्यक्तिहीन आदमी उसे नजर आता है। तो वो क्या है, दूसरे व्यक्तियों में अपने सारे अपने इच्छित गुण को खोजने की कोशिश करती है, एक ऐसे पुरुष को तलाशने की कोशिश करती है जो कि संपूर्ण हो, जो कि जो इच्छा वो जो गुणों को चाहती हो वो सारे गुण उस व्यक्ति में, उस पुरुष में मौजूद हो। तो इसके कारण वो सावित्री नौकरी करने के कारण वो चार ऐसे लोगों से मुलाकात करती है जिसके साथ वो अपने जीवन को आगे बिताने की उस इंसान में तलाशने लगती है और साथ ही साथ मानसिक विचार करना चाहती करने लगती है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, वो दफ्तर से वापस आती है सावित्री जो है, फिर वो घर आकर देखती है हमेशा की तरह की सारी जो चीजें हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके घर में जो भी लोग थे, उनका जो एक बेटा था अशोक जो कि 21 साल का था, वो बिल्कुल आलसी व्यक्ति था, आलसी इंसान था, जो कि बिल्कुल भी नौकरी तक नहीं करना चाह रहा था। सावित्री जो है वो हमेशा उसके लिए एक नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वो किसी नौकरी को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सावित्री जितने लोगों से मिलती है वो कोशिश करती है कि उनको कहकर किसी तरह अशोक की, अपने बेटे की नौकरी लगवा दे, लेकिन अशोक हमेशा ना कर देता है, नौकरी करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। उनके परिवार में एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है बिन्नी, वो क्या करती है, वो लगभग 20 वर्ष को छूने वाली है, इसमें एक मनोज नाम का लड़का है जिससे वो प्रेम कर भागकर शादी कर लेती है, किंतु वो उसका वैवाहिक जीवन जो रहता है वो सुखी नहीं रहता है। और एक छोटी लड़की है जिसका नाम है किन्नी, वो बहुत ही मुफट लड़की है और ज्यादा से ज्यादा समय वो क्या करती है, घर पर नहीं बाहर ही बिताती है, और उसकी थोड़ी खराब आदत है कि वो हमेशा अश्लील खराब उपन्यासों में रमी रहती है, खराब खराब किताबों को पढ़ती है, उसमें इच्छा रखती है उन सब किताबों को पढ़ने की। तो जब सावित्री घर को आती है तो वो सारी चीजें बिखरी देखकर वो नाराज होती है, झटपट झटपट काम भी करती है और साथ ही साथ कुछ न कुछ कहती हुई भी जाती है। तो इस नाटक में जितने भी आप वार्तालाप देखे होंगे इन सब में आपको पता चला होगा कि किसी को भी किसी से लगाव नहीं है, सब एक दूसरे से लगभग घृणा ही करते हैं, अच्छे स्वर में बात नहीं करते हैं, रूखे स्वर में बात करते हैं एक दूसरे से, रूखे स्वर में एक दूसरे को उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं, ताना देते हैं। तो जो सावित्री है वह नौकरी करते हुए जिन चार लोगों से, जिन चार व्यक्तियों से अपने जीवन बिताने की कोशिश करती है या सोचती है, वो चार व्यक्ति हैं। पहला है जुनेजा, जो कि महेंद्रनाथ का बहुत ही सच्चा मित्र है, जिस पर सावित्री क्या है उस पर भी डोरे डालने की कोशिश करती है, फिर उस पर उसे वो सारे गुण नजर नहीं आते तो फिर उसे भी छोड़ देती है, उसे भी वो अधूरा इंसान पाती है, फिर उसे भी छोड़ देती है। दूसरा व्यक्ति है शिवजीत, जिसका सिर्फ नाम इस नाटक में उल्लेख किया गया है, उसके चरित्र या किसी चीज के बारे में उतने बेहतर तरीके से बताया नहीं गया है। तो जो शिवजीत है वो बहुत ही बड़ी डिग्री होल्डर है और विदेश की सैर किया करता है, तो उसके साथ भी वो सोचती है सावित्री की जीवन बिताएगी, लेकिन उसमें भी वो संपूर्ण गुण नहीं पाती है, फिर उसे भी छोड़ देती है। तीसरा व्यक्ति है जगमोहन, जो कि सावित्री का पूर्व प्रेमी है, जो कि न्यू इंडिया में काम करता है और सावित्री को कुकू कहकर पुकारता है और सावित्री उसे जोग कहकर पुकारती है। और चौथा जो व्यक्ति है वो है मनोज, जो कि बिन्नी, जो उसकी बड़ी बेटी है, उसे भगाकर प्रेम विवाह कर लेता है। तो इस नाटक में महेंद्रनाथ जो है वह स्वयं को रबड़ का टुकड़ा संबोधित करता है, जिसको बार बार घिसा जाता है। उसका मानना है कि उसके घर के लोग उसे हमेशा बार बार जब मन चाहता है उसे घिसते हैं, जब जो चाहता है उसे बोल डालते हैं। तो महेंद्रनाथ जो है उनकी जो पत्नी है सावित्री, वो जब भी वो अपने प्रेमियों को घर बुलाया करती थी चाय पर, तो जब भी उसके प्रेमी घर आते थे तो महेंद्रनाथ को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी, तो वो घर से बाहर निकलकर चला जाता था हमेशा। तो फिर अंत में क्या होता है कि महेंद्रनाथ इस अपनी बीवी की, अपनी सावित्री स्त्री की ये हरकतें देखकर, जब वो जगमोहन को अपने घर बुलाती है ये सारी बातें, वो क्या करता है, वो घर से फिर एक बार निराश होकर, हार कर जुनेजा अपने मित्र के यहाँ, जो कि उसका सच्चा मित्र है, उसके यहाँ चला जाता है, ये कहकर कि वो कभी और घर लौटकर नहीं आएगा। और इन बातों से किंतु सावित्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचती है कि फिर से वो हमेशा की तरह लौटकर आ ही जाएगा। फिर एक बार क्या होता है कि महेंद्रनाथ का ब्लड प्रेशर बहुत ही बुरी हालत में बहुत ही बढ़ जाता है, तो फिर उसका जो दोस्त है जुनेजा, वो वापस सावित्री के यहाँ आता है, सावित्री से बात करके उसे समझाना चाहता है,
कि या तो उसे वो महेंद्रनाथ को पूरी तरह से मुक्ति दे दे, छुटकारा दे दे, क्योंकि वो उसके जीवन में रहकर उसे और भी दुखी कर रही है, क्योंकि वो महेंद्रनाथ जो है वो ना ही सावित्री के साथ रह सक रहा है और ना ही अलग रह पा रहा है। तो इस प्रकार इस नाटक में हम देख सकते हैं कि जो स्त्री सावित्री है, जो कि इस कहानी की, इस नाटक की मुख्य पात्र है, वो आधी है, अधूरी है, क्योंकि उसे जो तलाश है, जो संपूर्ण गुणों की तलाश है एक पुरुष में, वो उसे नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिस भी पुरुष के साथ वो रहने का विचार करती है, मानसिक विचार करती है, सोचती है, वो इंसान में वो संपूर्ण गुण पाती ही नहीं है, अधूरी रह जाती है। उसकी इच्छा जो है, उसकी इच्छा जो भी है गुण पाने की, वो सारी अधूरी रह जाती है, एक विशेष व्यक्ति में उसे नहीं मिल पाती है, तो वो भी अधूरी है। साथ ही साथ महेंद्रनाथ जो है उसके भी जीवन में सुखी नहीं है, वो स्त्री के रहते हुए भी स्त्री ना होने के बराबर है उसके लिए, उसका भी जीवन पूरी तरह से अधूरा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस नाटक का जो शीर्षक है, जो टाइटल है आधे अधूरे, वो किस तरह इस नाटक को चित्रित करता है। क्योंकि इस नाटक के जो मुख्य किरदार है महेंद्रनाथ और सावित्री, इन दोनों का जीवन अधूरा है, आधा अधूरा है, किंतु अंत में फिर से एक बार महेंद्रनाथ जो है वो हार कर फिर से वो घर ही लौट कर आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से अपनी स्त्री पर ही जीवन व्यतीत करने के लिए निर्भर है। और इस तरह ये नाटक पहले की तरह ही आधा अधूरा रह जाता है, महेंद्रनाथ और सावित्री का जीवन पहले की तरह ही आधा अधूरा है, इसलिए इस नाटक का नाम पड़ा है आधे अधूरे। तो ये थी दोस्तों पूरी नाटक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और साथ ही साथ अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।